हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैंने आपको बताया था कि मेरी चाची और मेरी कज़िन सिस्टर आई हैं मुझसे मिलने गुड़गांव में, तो आज हम लोग पूरा टाइम मस्ती करेंगे। और आशा वैसे तो सावन भी चल रहे हैं, तो मैं चाची को इस्कॉन मंदिर दिखाने ले जाऊँगी जो गुड़गांव में है, और फिर उसके बाद हम लोग मॉल में थोड़ी शॉपिंग करेंगे। तो चलिए फिर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हम लोग बहुत दिनों से आउटिंग का प्लान बना रहे थे, लेकिन हम लोग बारिश की वजह से निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन आज का मौसम काफ़ी अच्छा है और बारिश भी नहीं है, तो हम लोगों ने आज ही प्लान बनाया। एक्चुअली हम लोग पहले जाएंगे इस्कॉन टेंपल, क्योंकि अगर हम मॉल चलेंगे तो वहाँ पे तो टाइम का पता ही नहीं चलता, इसलिए हम पहले टेम्पल जाएंगे। तो हम लोग आ चुके हैं इस्कॉन। आज मुझे काफ़ी भीड़ भी लग रही है टेम्पल में, वैसे तो यहाँ पे हमेशा ही भीड़ रहती है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही लग रही है मुझे। चलिए तो हम लोग अंदर चलते हैं और भगवान जी के दर्शन करते हैं। और यहाँ वैसे भी आरती का टाइम हो रहा है, आरती हो रही है। इस्कॉन टेंपल के पास में ही एक मॉल है, एरिया मॉल, जो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। हम लोग वहीं आए हैं और हम लोग यहाँ पे थोड़ी शॉपिंग करेंगे। एरिया मॉल मेरा फेवरेट मॉल है गुड़गांव में, और जहाँ पे मैं हमेशा, जब भी मुझे कुछ लेना होता है, मैं हमेशा इधर ही आती हूँ। अक्सर यहाँ पे फेस्टिवल्स में एक थीम लगी होती है, जो अभी इस टाइम कुछ लगा नहीं है यहाँ पे कोई भी थी। एक्चुअली मेरी सिस्टर का बर्थडे था, जो मैं उस टाइम में उसे गिफ्ट दे नहीं पाई, तो इसलिए मैं उसे एरिया मॉल लाई हूँ कि जिससे वो अपनी पसंद से गिफ्ट ले सके। एरिया मॉल से आने के बाद हम लोग अब आए हैं हरीज रेस्टोरेंट, क्योंकि बाकी रेस्टोरेंट बंद हो चुके, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे मॉल से। तो अब हम लोग, एक हरीज यहाँ पे खुला था, तो हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ का खाना आप टेस्ट करते हैं कि कैसा है। अक्सर आप लोगों ने भी ये बात नोट करी हो, क्योंकि अगर हम मॉल जाते तो हमें टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है। Thank you.
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच। और मैं जो एरिया मॉल से अपनी सिस्टर के लिए जो लाई थी शॉपिंग करके लाई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक कुर्ती है जो उसकी पसंद की थी और ये टॉप है उसका, मुझे काफ़ी अच्छा लगा।